हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी सुना रहे हैं अदालत को, यही कि इन्हें इनके पिताजी ने अपनी जायदाद से वंचित कर दिया था, जिसके कारण इन्हें पिताजी पर अपनी बहन पर जोकर का स्टैचू इस रूम में क्या कर रहा है? इसे तो डॉली के रूम में होना चाहिए था। आजकल ना इंटीरियर डिजाइनिंग के बहाने लोग कुछ भी करते रहते हैं। काम करती हूँ, न्यूज देखती हूँ। सबसे बड़ी खबर, आज रोनी पाड़ा में एक 35 साल की महिला की उसी के घर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उस वक्त वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी जब हमलावर उसके घर के अंदर अचानक घुस गए और उसका गला दबा दिया। न्यूज चैनल वाले भी ना, उन खराबे के अलावा कुछ होता ही नहीं है इनके पास। जोकर का पुतला मुझे घूर क्यों रहा है? शायद न्यूज की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। एक काम करती हूँ, कोई और चैनल देखती हूँ। जोकर का पुतला अभी तो दीवार के पास था, ये आगे कैसे आ गया? पुतला पुतला चल कैसे सकता है? नहीं, कहीं कहीं मेरा वहम तो नहीं है? मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। घर आ जाओ। क्या हुआ तृप्ति, डॉली तो सही है ना? हाँ मैम साहब, डॉली मैम साहब तो ठीक है, पर मैम साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? मैम साहब, मैं आपके बेडरूम में टीवी देख रही थी, वहाँ पर वो जोकर का जो पुतला है ना, उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है मैम साहब। जोकर का पुतला? पर हमारे बेडरूम में तो कोई जोकर का पुतला नहीं है। क्या मैंने तो सुनाओ ना प्लीज।
क्या ढूंढ रही हो? चाकू से ही किया गया है। सर, शरीर पे कोई और खरोच का निशान नहीं है। और लाश को आराम से रॉकिंग चेयर पे रखा हुआ है। आसपास कोई हथियार भी नहीं है। सर, हो सकता है कि तृप्ति को कहीं और मारा गया हो और इसकी लाश को यहाँ पे लाके कुर्सी पे बैठा दिया। हो सकता है, मगर लाश को यहाँ इस आराम चेयर पे क्यों रखा? घर में कहीं भी डाल सकता था। हाँ सर, ना ही कोई चाकू मिला और ना ही कोई सुराग। आप लोग ये बताइए, ये सब हुआ कैसे? सर, हम दोनों डिनर के लिए बाहर गए थे, तभी अचानक तृप्ति का फोन आया और इसने कहा कि उसे बेडरूम में रखे हुए जोकर के पुतले से डर लग रहा है। क्या, जोकर का पुतला? हाँ सर, ये सुनकर हम भी चौंके कि ऐसा कोई पुतला हमारे घर में था ही नहीं। इससे पहले कि कुछ और पूछते तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ये जोकर का पुतला आया कहाँ से? पता नहीं सर। आपने दोबारा फोन नहीं किया? दोबारा फोन किया था लेकिन फोन लगा नहीं, और जब घर आए तो देखा कि फोन का रिसीवर नीचे गिरा पड़ा था। और ये घर का दरवाजा बंद था या खुला था? सर, दरवाजा तो अंदर से बंद था, हमने डुप्लीकेट चाबी से खोला। कुछ सामान वगैरह चोरी हुआ? नहीं सर, सामान तो सब अपनी जगह पर है। अच्छा, निकल। सर, घर की खिड़की दरवाजे अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कहां से घुसा था कौन। घर का कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ है? सर, घर में बच्चा भी सही सलामत सो रहा है। खूनी सिर्फ नैनी को मारने के लिए आया था क्या? सर, अगर खूनी ने जोकर के कपड़े पहने हुए थे तो बाहर वालों ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा। क्या किया? तुम लोग बाहर जाके देखो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, आने के। सर, इस स्लाइडिंग दरवाजे की लॉक को पिघला के वो खूनी अंदर आया सर। ओ, गैस कटर से काटा है। सर, वो खूनी चाहता तो कांच तोड़ के भी इस लॉक को खोल सकता था, लेकिन उसने गैस कटर का इस्तेमाल क्यों किया? कांच तोड़ता तो आवाज आती, इसलिए गैस कटर का इस्तेमाल करके लॉक को ही पिघला दिया ताकि आवाज ना आए। ना कोई चोरी, ना कोई किडनैपिंग, बस एक खून करना और लाश को रॉकिंग चेयर पे रखना। इतना सब कुछ एक नैनी को मारने के लिए। अरे भाई साहब, का खाइयो मैम साहब? पानी पूरी, भेल पूरी के सेव पूरी? नहीं, हम कुछ खाएंगे वाएंगे नहीं। आपने किसी जोकर को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? जोकर? अरे जोकर आप कहाँ मैडम, जोकर तो हुआ करते थे, वो भी सर्कस में। साहब, मैंने देखा है। कहाँ जाते हो देखा? अभी वो पीछे वाली गली में गया है। ओके। समोरा, रुक जाओ,
रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। गोली मत मारना, कौन है तुम लोग, क्या चाहिए? यार इतने सारे जोकर, सब रुक जाओ, रुको यहीं पर, सब रुको। अरे वाह, हम लोगों को, हमें तो कहा गया था कि हम सब लोग मिलकर आपको घेर लेंगे और खूब हंसाएंगे, लेकिन लेकिन आपने तो हमें दूर ही रुकने के लिए बोल दिया है। ये सब किसने कहा था तुमसे? प्रोडक्शन कंपनी के मैनेजर ने। सर हम जूनियर आर्टिस्ट हैं। कौन सी प्रोडक्शन कंपनी? पता नहीं, पर मैक्लोरगंज में ऑफिस है। मैक्लोरगंज? पूर्वी प्रोडक्शन कंपनी का एड्रेस ले लो इसे, और इन सबका एड्रेस ले लो। सर चली हुई कॉस्ट्यूम, इसका मतलब खूनी ने हमें इनके साथ उलझा दिया, खुद बच के निकल गया। आइए। हंस क्यों रहा है तू? बस आप लोगों के सारे शक, सारी अटकलें एकदम गलत साबित हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोग सोच रहे थे कि तृप्ति को पहले चाकू मारा गया, उसका खून किया गया और उसके बाद उसे ला करके रॉकिंग चेयर पर बिठाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है। अरे तो फिर हुआ क्या था? क्या हुआ है मैं अभी आपको बताता हूँ। आइए। ये देखो बस, ये तृप्ति का खून जहां जहां पर उड़ करके लगा है, ये उसका ग्राफिक डिजाइन है। तृप्ति रॉकिंग चेयर पे बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी ना? जी हाँ। अभी देखो, जिस तरीके से खून उड़ करके जहां जहां पर गया है, उससे यही बात साबित होती है कि जब चाकू मारा गया, तृप्ति इस रॉकिंग चेयर पे बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई थी। लेकिन जब इसे चाकू मारा गया तो इसने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये हिली डुली क्यों नहीं? वो क्यों नहीं हिली डुली, इसका जवाब ये बॉटल देगी। क्या है इस बॉटल में? इस बॉटल में हाइमोग्लिकिया नाम का केमिकल है जो मुझे तृप्ति के शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। हाइमोग्लिकिया? हाँ, ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो समझो कि इंसान के खून में मिलते ही उसे तुरंत पैरालाइज कर देता है। मतलब सर पहले तृप्ति को पैरालाइज किया गया, उसके बाद इसका खून किया गया। मारा अभिजीत, ये ड्रग, ये जहर इसके शरीर में गया कैसे? मैं बताता हूं बॉस। ये देखो ये मार्क, ये इंजेक्शन का मार्क है, यहां से हाइमोग्लिकिया इसके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया है। शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया, तृप्ति रॉकिंग चेयर में बैठी थी और वहां पे उसे चाकू मारा गया। जरा भी आवाज ना हो इसलिए इस खूनी ने घर के खिड़कियों की कुंडी भी गैस कटर से कटवाई। बड़ा सोच समझ कर कदम उठा रहा है ये। और तो और सर, उस नैनी को केमिकल का इंजेक्शन लगा के पैरालाइज भी कर दिया था। ऐसा केमिकल जो आसानी से मिलता नहीं सर। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये खूनी जोकर के फेस में क्यों आया था खून करने के लिए? सर और साथ में वैसे ही दिखने वाले 15 जोकर की टोली भी लेकर आया था। 15 जोकर? इन 15 भी जोकरों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, लगता है ये खूनी इन्हीं में से कोई एक हो। सर उनका बैकग्राउंड चेक किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर, और नैनी के मारने की वजह भी उनके पास नहीं है। अच्छा, तो पूर्वी एक काम करो, फिर से जरा चेक करो, देखो कोई क्रिमिनल है क्या जो किसी सर्कस में काम करता था जोकर का,
चेक करो देखो नैनी के बारे में क्या पता चला। सर उसका नाम तृप्ति था, उम्र 28 साल, बेबी कॉसेट सेंटर से उसे हायर किया गया था। वहां पे करीब 50 औरतें जुड़ी हुई हैं, नैनी के तौर पे काम करती हैं। तो हो सकता है इस तृप्ति का कोई दुश्मन हो उसके रिश्तेदारों में या फिर दोस्तों में। सर तृप्ति बाहर से यहाँ आई थी काम करने के लिए, उसका यहाँ ना तो कोई दोस्त है ना ही कोई परिवार में, वो सिर्फ उस एजेंसी के लोगों को ही जानती थी। एजेंसी में जाके पता लगाना पड़ेगा क्या तृप्ति की कोई किसी के साथ अनबन वगैरह हुई है क्या। सर आप रेडी? प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस के बारे में क्या पता चला? काहे का ऑफिस सर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, पूरी जगह खाली है। पिछले 3 महीनों से बिल्डिंग का रिनोवेशन चल रहा है, इसीलिए बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। रिनोवेशन? तब तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर कोई तो होगा वहाँ पे। नहीं सर, जिस दिन खून हुआ उस दिन कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर की छुट्टी थी। ये लो इसी बात का फायदा उठाया और कुछ ही घंटों के लिए प्रोडक्शन ऑफिस वहीं पर खोल दिया। सर ये गोरंग है, जिनमिन सर्कस में जोकर का काम करता था, और तो उसे झगड़ा और मारपीट की वजह से इसे 2 बार जेल भी खुली थी। गोरंग इस गोरंग की पूरी कुंडली निकालो। कहिए क्या बात है? जूही जी, तृप्ति नाम की औरत को आपकी एजेंसी ने ही काम पे लगवाया था ना? जी हाँ, उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अच्छा ये बताइए कि तृप्ति ने मिस्टर ललित का घर कब ज्वाइन किया था? 1 हफ्ते पहले। इस एजेंसी में उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था या ऐसा कोई आदमी जिससे उसकी बनती नहीं थी? जी नहीं मैम, ऐसा कोई आदमी नहीं है। सर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तृप्ति 1 हफ्ते पहले मिस्टर ललित के घर जाती है ड्यूटी के लिए, और 1 हफ्ते में अकूनी पूरी तैयारी कर लेता है इतनी बड़ी प्लानिंग उसे मारने के लिए। हाँ निखिल, और खूनी को यह कैसे पता लगा कि तृप्ति ललित के घर जाने वाली है, और उसी दिन ललित अपनी बीवी के साथ डिनर पे जाने वाले हैं? कब? और तो और उसी दिन हम लोगों को गुमराह करने के लिए 15 जूनियर आर्टिस्ट को लाना, और वो भी एक ही जैसी जोकर की ड्रेस पहनाकर। तृप्ति मिस्टर ललित का घर ज्वाइन करेगी ये आपने कब तय किया था? 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले? इसका मतलब खूनी के पास तैयारी करने के लिए 1 महीना था। लेकिन सर मैंने तो किसी को बताया नहीं कि तृप्ति मिस्टर ललित के यहाँ ज्वाइन करेगी, यहाँ तक कि मैंने तृप्ति को खुद को नहीं बताया, सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए मैंने उसकी ज्वाइनिंग डेट लिख के रखी थी। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कोई खास बात हुई जो आपको याद हो? हाँ, 2 हफ्ते पहले यहाँ चोरी हुई थी जिसमें थोड़ा बहुत कैश गया था। अच्छा ये चोरी कहाँ पे हुई थी बताइए? वहाँ पे उसी अलमारी से कुछ कैश चोरी हुआ था। अच्छा ये नैनी की सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स ये कहाँ रखते हैं? सर इसी कंप्यूटर में रखती हूँ सारे डाटाबेस। इसका मतलब ये चोरी पैसे के लिए नहीं हुई है बल्कि नैनी की सारी डिटेल्स चोरी करने के लिए चोर यहाँ पे आया था। अच्छा आप बता सकते हैं कि चोर कहाँ से अंदर आया था? उस खिड़की से। इस खिड़की से? अच्छा ये बताइए कि उस वक्त ये खिड़की खुली हुई थी? नहीं सर, ये खिड़की बंद थी, चोर कुंडी काट के अंदर आया था, लेकिन अभी हमने कुंडी ठीक करवा ली है। सर लगता है इसे भी गैस कटर से काटा गया है। सर ये जो भी है एक इंसान है सर, क्योंकि मिस्टर ललित के घर का दरवाजा भी गैस कटर से काट के खूनी अंदर आया था। ये चोर जो भी है यही वो खूनी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब चोर ने सभी नैनी की डिटेल्स चुराई थी तो सिर्फ हमला तृप्ति पर क्यों किया? सर हो सकता है उन 50 नैनीज में से तृप्ति को मारना सबसे आसान था। नहीं पूर्वी, मुझे लगता है कि खूनी अपने शिकार में कोई खास पार्ट ढूंढता है। एक काम करना होगा हमें, इस शहर में जितनी भी एजेंसीज हैं जो नैनी रिक्रूट करती हैं उनका पता लगाना होगा और उन्हें भी सतर्क करना होगा।
घर तो खुला हुआ है। जा नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा। तो तू है, हैं? क्यों खून किया तृप्ति का तूने? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? कौन तृप्ति साहब? लेकिन साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। ड्रामा कर रहा है? तलाशी लो घर की। देखो वो चाकू और वो पैरालिटिक इंजेक्शन कहां छुपा के रखा है इसने। साहब, खून नहीं किया तो क्यों हमला किया हमारे ऑफिसर पे तूने? वो सब जब मैं ड्रग्स बेचने का धंधा भी करता है ना तो मेरे को लगा कि आप उसी के वास्ते मेरे को गिरफ्तार करने आए, इसलिए मैं ये। अच्छा, कल रात कहाँ थे? कल रात? अच्छा, कल रात तो मैं सर्कस में परफॉर्म कर रहा था साहब। परफॉर्म तो अभी भी कर रहा हमारे साथ है? नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सर्कस में पता कर सकते हैं साहब। वो तो हम पता करेंगे ही। ड्रग्स? सर, नीचे किचन में ये ड्रग्स मिले। दुनिया जोकर का और काम ड्रग्स बेचने का है? सर ये फोटोग्राफ देखिए। सर, इस जोकर ने बिल्कुल वैसे कपड़े पहने जैसे खूनी ने पहने। सर, अरे हाँ, कौन है ये आदमी? साहब ये तो अनुपम है साहब, लेकिन साहब ये बहुत सालों पहले सर्कस का काम छोड़ चुका है साहब। सर्कस का काम छोड़ दिया लेकिन खून करना नहीं छोड़ा। कहाँ रहता है ये? सर, इस फोटो में तो बिल्कुल वैसा ही गेटअप है जैसा उस खूनी का था। सर, लगता है अनुपम ही वो खूनी जोकर है। हो सकता है। पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई काम की चीज मिलती है क्या। सर, अंदर ना तो कोई चाकू मिला ना ही वो पैरालिटिक इंजेक्शन जिसे खूनी नैनीज पर वार करता है। लेकिन अगर ये अनुपम वही खूनी जोकर है तो दूसरी नैनीज की जान को खतरा है। वो जरूर उनकी जान लेने कहीं निकला होगा। लेकिन सर, इस वक्त वो कहां गया होगा ये कैसे पता चलेगा? सारे बच्चे टाइम पे नॉर्थ एंड ऑडिटोरियम पे पहुंच जाएंगे। तुम अपना शो ठीक 4 बजे चालू कर देना। सर, इस वक्त तो 4:30 बज रहे। अगर बच्चे हैं तो वहां पे नैनी भी होगी। हेलो सचिन, इस जोकर ने यहाँ पर परफॉर्म किया था? हाँ, ये तो अभी बच्चों के साथ ग्रीन रूम में गया। बच्चों के साथ? देखो, बच्चों की जान को खतरा है, ग्रीन रूम का है। नहीं सुल्फ की सर मरवड़ा सांप का, ऐसा कुंडल मारकर पट्ठा चोरा सांप का, खत्म। राइट, हाथों पर।
कौन हो तुम लोग? सीआईडी। बच्चों और नैनी को मारना चाहता था। नहीं सर, मैं तो बच्चों को कहानी सुना रहा था। आप पूछ सकते हैं इनसे। बोलिए, नैनी और बच्चों को ले जाओ। चल, आई। अब ये बताओ तुमने तृप्ति का खून क्यों किया? हाँ? कौन तृप्ति सर? मैं किसी तृप्ति को नहीं जानता। सर मैं तो बच्चों का मनोरंजन करता हूँ। जोकर हूँ सर, जोकर, कातिल नहीं। वो तो अभी पता चल जाएगा। निखिल, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लाओ। वो पैरालिटिक इंजेक्शन और कोई ना कोई हथियार जरूर मिलेगा यहाँ से। कल रात तुम कहाँ थे? मैं मैडम घर पे था, अकेले। कैसे मान ले कि तुम घर पे अकेले थे? हाँ, अब मेरे पड़ोसी को फोन करके पूछ सकते हैं सर। पड़ोसी का नंबर? 1239861 07 सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे जैसा ही जोकर का कॉस्ट्यूम कॉपी करके कुछ कर रहा हो सर। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इस जोकर की कॉस्ट्यूम में जो खूनी इस जोकर की कॉस्ट्यूम की नकल करेगा? हा? सर वो तो नहीं कह सकता, पर कोई 20 साल पहले मैं इसी तरह के बच्चों के प्रोग्राम में गया था। वहां एक आदमी बिल्कुल इसी तरह तैयार होके आया था जोकर के कॉस्ट्यूम में। कौन था वो? सर वहां पे बहुत बच्चे थे और बहुत सारे जोकर भी थे। मैं उनसे बात नहीं कर पाया सर। सर ये सच बोल रहे? सर मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। सर ये नाइफ बॉक्स मिला है सर, चाकू से भरा हुआ। इतने सारे चाकू तुम्हारे पास कहां से है? इनसे तो मैं परफॉर्म करता हूँ। चकली करके दिखाओ। hey! चाकू को हाथ नहीं लगाना। निखिल इसे फॉरेंसिक भिजवाता। सर मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जोकर हूँ सर, जोकर। हेलो, क्या क्या हुआ सर? एक और नैनी का खून हो गया है। जागृति को बिल्कुल वैसे ही मारा है जैसे तृप्ति को रॉकिंग चेयर में बिठाकर। सर शरीर पे कोई खरोच का निशान नहीं, लगता नहीं कोई हाथापाई हुई है। ये खूनी घर के अंदर आया कैसे होगा, कहां से आया होगा? थोड़ा देखो घर को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। अर्चिता, जब तुम्हारी नैनी जागृति का खून हुआ तब तुम कहाँ थी? सर मैं जॉब पे थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन सर मैंने रोज की तरह जब अपने बेटे से बात करने के लिए घर पर फोन किया तो घर का फोन कोई उठा ही नहीं रहा था। मैंने सर नैनी को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। सर मैं घबरा कर घर आई तो मैंने देखा कि सर, ये देखिए सर, हॉल की खिड़की का कांच टूटा हुआ है। अर्चिता ये कांच कब और कैसे टूटी? सर वो तो एक महीने पहले ही टूट गई थी, मैं रिपेयर करवाना भूल गई। सही है, देखिए कुंडी कटी हुई है। इस कुंडी को भी तो गैस कटर से ही काटा है, बिल्कुल वैसी जैसे ललित के घर की खिड़की की और उस एजेंसी के ऑफिस की खिड़की की। ये कोई ऐसा वैसा खूनी नहीं, सीरियल किलर है ये। खून बिल्कुल उसी तरह से किया गया जैसे तृप्ति का हुआ है। ये तृप्ति ने जो एप्रन पहना था उसके बारे में क्या बताया निश्चरण मिसेज ललित ने? सर उनका कहना है कि उन्होंने तृप्ति को ऐसा कोई एप्रन दिया ही नहीं। मुझे तो लगता है सर एप्रन खूनी ने ही पहना होगा, पहले जबरदस्ती एप्रन पहनाया और फिर खून कर दिया उनका। नहीं बेटी, जबरदस्ती तो नहीं लगता है,
कोई तरीका ढूंढा है खूनी ने, क्योंकि मिस्टर ललित और मिसेज अर्चिता दोनों के घर से हमें ये बैग मिले, वो भी उस कमरे से जहां पे नैनीज अपने ग्लव्स और बाकी का सामान रखती हैं। तो शायद हुआ ऐसा होगा कि जब दोनों घर पहुंची तो उन्हें लगा कि ये एप्रन शायद बच्चों के पेरेंट्स ने उनके लिए रखे हैं, और शायद यही सोचकर इन्होंने वो एप्रन पहन लिया होगा। लेकिन एक बात खटकती है अभिजीत, कि दोनों एप्रन के डिजाइन एक ही है। हाँ सर, एक ही डिजाइन का एप्रन पहना के उसने नैनीज का खून किया है। सर मुझे लगता है ये कोई साइकोपैथ सीरियल किलर है। घर में घुसने का तरीका एक है, टारगेट एक, यहाँ तक कि खून करने का तरीका भी एक है, तो सिर्फ नैनी इसका खून कर रहा है। अभिजीत लगता है उसके दिमाग में नैनी की एक छवि तैयार हुई है, और शायद खून करने से पहले वो इन नैनी को उसी रूप में देखना चाहता है। यस सर। मगर इन नैनी की छवि उसके दिमाग में आई कहाँ से होगी, आई कैसे होगी? या तो ये उसकी कोई कल्पना है, या फिर ये छवि उसके पास से जुड़ी हुई है। ये जोकर की तरह तैयार होना, नैनीज को एप्रन पहनाना, ये सब कोई पुरानी आस से जुड़ी हुई चीजें लगती हैं। फिर तो सर वो और भी नैनीज का खून कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। उस एजेंसी में जितनी भी नैनीज हैं उन सब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और फिर भी एक काम करो, हमारे रिकॉर्ड्स में देखो क्या तृप्ति के खून से पहले भी और किसी नैनी का खून हुआ है क्या, बिल्कुल उसी तरह से चेक करो। हाँ हेलो, हाँ बताओ कौन सा। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। रॉयल लाइन फैब्रिकेशन से वो एप्रन बनवाए गए थे। रॉयल लाइन फैब्रिकेशन सर? हाँ सर, कावेरी नाम की नैनी का 2 महीने पहले खून हो गया था सर। उसकी लाश पर से भी हाइमोग्लिकन नाम का केमिकल मिला था जिससे पैरालिसिस हो जाता है। अच्छा कावेरी, इस कावेरी के बारे में पूरे डिटेल निकालने पड़ेंगे। सर वो नानी कावेरी 20 साल पहले इसी घर में काम करती थी। जी हाँ कहिए। क्या मिस्टर रणविजय और मिसेस विनीता यहीं रहते? जी हाँ यहीं रहते थे। आप लोग? हम CID से। 20 साल पहले यहाँ पे एक नैनी काम किया करती थी कावेरी, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी सर, कावेरी रिहान की नैनी थी। उसकी कोई फोटो वगैरह है आपके पास? शायद फैमिली एल्बम में होगी, मैं एक स्किन लेके आती हूँ। सर ये कावेरी है। और ये बाकी लोग? सर ये मेरे अंकल हैं, ये आंटी हैं, ये मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा, और ये रिहान है। ये कावेरी नैनी कैसी थी? गुस्से वाली थी या फिर बच्चों से प्यार करती थी, आपको कुछ याद है? जी सर, कावेरी नानी बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। रिहान हमेशा उनसे डरता था, जब भी उनके साथ रहता था गुमसुम रहता था। इसलिए रिहान काफी डरा डरा सा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, रिहान के मम्मी पापा की मौत कैसे हुई? वो एक्चुअली घर में आग लग गई थी, तो नानी और रिहान तो बच गए पर अंकल आंटी नहीं बच पाए। ये आग लगी कैसे थी? कावेरी नानी मेरे कजिन रिहान के कपड़े प्रेस कर रही थी और उन्होंने प्रेस पलंग पर ही छोड़ दी, इसलिए आग लग गई। लेकिन पता नहीं वो हमेशा झूठ बोलती थी कि प्रेस मेरी आंटी कर रही थी, जबकि वो प्रेस कर रही थी। सर ये फोटो देखिए, ये तो वही जोकर है। सर कावेरी नानी कई बार जोकर की कॉस्ट्यूम पहन के मुझे और रिहान को कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन रिहान हमेशा डर जाता था। सर अनुपम ने कहा था कि कुछ साल पहले उसकी जोकरी ड्रेस किसी ने कॉपी की थी। ए, कावेरी होगी। सर
ये फोटो देखिए सर, यहाँ पे कावेरी ने तृप्ति की तरह ब्राउन वाला एप्रन पहना हुआ है सर। जोकर, ब्राउन एप्रन और नैनी कावेरी, ये साइकोपैथ किलर कहीं रेहानी तो नहीं, जो बचपन में कावेरी से डरता था, उससे नफरत करता था और बड़े होकर उसने कावेरी का खून कर दिया और अब जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर बाकी नैनीज का भी खून कर रहा है। ठीक वैसा ही एप्रन पहना के जैसे कावेरी पहनती थी। सर वो ब्राउन चेक्स वाला एप्रन नाइलोकॉट मटेरियल से बना हुआ था और खास ऑर्डर किया गया था। वो मटेरियल आज से 20-25 साल पहले बहुत चलता था, अब उतना नहीं चलता। किसने ऑर्डर किया था? किसी अमित नाम के आदमी ने। कंपनी वालों ने उसका होली और फोन नंबर भेजा है। इस अमित के बारे में पता करो। सर ये रेहान अभी कहाँ है? पता नहीं सर, स्कूल के बाद उसने हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, अब पता नहीं वो कहाँ रहता है। कमाल है, बिना बताए गायब हो गया। सर अमित के फोन का सिग्नल 100 मीटर की दूरी पे बता रहा है, हो सकता है अमित यहीं कहीं रहता होगा। आसपास अच्छी तरीके से नजर रखो। सुनिए भाई साहब, ये अमित कहाँ रहता है? यही कहाँ? ये जो घर खुला है उसके बाजू वाला। थैंक यू। ताला बंद है, कहाँ गायब हो गया? सर वो रहा अमित। सीआईडी, ए पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ भाग रहा है? सांस ले ले, थोड़ा थक गया होगा। मैंने कुछ नहीं कहा सर। वो नाइला कॉट का जो ब्राउन कलर का एप्रन था वो क्यों मंगवाया था तुमने? मैंने नहीं मंगवाया था साहब, मैंने तो बस ऑर्डर प्लेस किया था। किसके कहने पे? मिस्टर राजेश के कहने पे। हेलो, क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आपका अंदाजा सही निकला, रेहान अपना नाम बदल के रह रहा है, ये राजेश ही रेहान। ये वही राजेश है जो हमें उस फंक्शन के बाहर मिला था? ये शो तो मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है, मेरा नाम राजेश है। अभी कहाँ है ये राजेश? सर अब तक तो पता नहीं चला है, ना ही वो अपने ऑफिस में है ना ही घर पे है। निखिल, अगर बचपन में किसी नैनी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है तो वो जरूर उन नैनियों को अपना शिकार बनाएगा जो बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करती है। एक काम करो, पता करो कि तृप्ति और जागृति के खिलाफ कोई कंप्लेन लिखाई गई है क्या? सर हाँ सर, दोनों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज है सर। निखिल डेटा चेक करो और देखो कि 50 शॉर्ट लिस्टेड नैनियों में से किस किस के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की गई। सर सोया था चिंटू, तो सो रहा है, फिर बच्चे की रोने की आवाज कहां से आई? वहम रहेगा मेरा। कौन है? <laughs>
क्यों? क्यों किया खून तुमने? क्योंकि मुझे नैनियों से सख्त नफरत है। चुप! मतलब जिससे भी नफरत करोगे उनकी जान ले लोगे? अरे बाप! मैं भी सही टाइम तो छोटा बच्चा था, ऐसी नानी ने मुझे बहुत परेशान किया, इसकी वजह से मैं आरात हो गया। ऐसी नानी मतलब कावेरी है ना? सर मैंने कावेरी को माफ करने की बहुत कोशिश की लेकिन माफ नहीं कर पाया। ऐसा क्या किया कावेरी ने तुम्हारे साथ, जरा हम भी तो सुने। सर वो मुझे बहुत परेशान करती थी, मुझे ना मुझे दुख देखे ना उसको मजा आता था, मेरी बेइज्जती करती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। तो तुम्हें अपने माँ बाप से बोलना चाहिए था। मैंने बोला था, किसके पर विश्वास थे। अच्छा और जागृति और तृप्ति, इन दो नैनीज को क्यों मारा तुमने? बस उन्हीं नैनीज को मारता था जिनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट होती थी, पर कावेरी उनमें से थी जो छोटे छोटे बच्चों को तंग करती थी। गलतियां इंसान से होती है राजेश, इंसान से होती है, मगर तुम कौन होते हो उन गलतियों को सजा देने वाले? तुम कौन होते हो कानून को अपने हाथ में लेने वाले? तीन तीन खून कर चुके हो तुम, तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.